माँ काली 10 महाविद्या कालीपीठ शक्तिपीठ सिद्धिपीठ ये है माता पार्वती देवी काली के दूसरा रूप माँ तारा तारापीठ। इंडिया में दो प्रमुख शक्तिपीठ सिद्धिपीठ आसाम गुवाहाटी कामरूप कामाख्या टेम्पल के बाद सबसे लोकप्रिय टेम्पल है वेस्ट बंगाल बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का ये तारापीठ तारामा टेम्पल। दुनिया का हर एक कोने से साधु संत माँ का आराधना करने के लिए माँ का पूजा करके सिद्धि लाभ करने के लिए तारापीठ में तारा माँ के पास आते हैं। ये टेम्पल में साधक बामा खेपा जैसा बहुत सारे साधु संत सिद्धि लाभ किया था। कहते हैं आप अगर तारापीठ में आके श्रद्धा भक्ति से माँ का दर्शन करोगे माँ का पूजा करोगे माँ आपका हर एक दुख दुविधा से आपको मुक्ति दिलाएगा। मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा आप कैसे तारापीठ में आओगे, तारापीठ में स्टे ऑप्शन, फूडिंग फैसिलिटी, आप तारा माँ के पास पूजा देने के लिए आपका कितना कॉस्टिंग, कितना खर्चा आएगा, माँ का भोग आपको कहाँ से मिलेगा, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये वीडियो में शेयर करूंगा। तारापीठ टेम्पल नियर बाई बिग सिटी कोलकाता से डिस्टेंस है अप्रोक्स 220 किलोमीटर। तारापीठ टेम्पल नियर बाई रेलवे स्टेशन है रामपुर हाट जंक्शन। आपका सिटी से अगर रामपुर हाट के लिए डायरेक्ट ट्रेन अगर ना मिले तो आप भाया हावड़ा सियालदा होके रामपुर हाट आ सकते हो। रामपुर हाट स्टेशन के बाहर आप 50 रुपीज में शेयरिंग ऑटो या फिर 200 रुपए दे के एक ऑटो रिजर्व करके तारापीठ टेम्पल पहुँच सकते हो। हम लोग पर पर्सन 50 रुपीज दे के शेयरिंग ऑटो में तारापीठ पहुँचे थे। रामपुर हाट स्टेशन से तारापीठ का डिस्टेंस है 9 किलोमीटर। ऑटो में आधा घंटे में पहुंच गए अभी तारापीठ। इधर आपको ऑटो से आपको उतर देगा, इधर से उतर के आप सीधा आओगे तो आपका राइट हैंड साइड में ये है तारापीठ टेम्पल जाने का रास्ता। तारापीठ में स्टे करने के लिए बहुत सारे होटल लॉज गेस्ट हाउस मिल जाएगा। रामपुर हाट तारापीठ ये रोड के दोनों साइड 200 से लेके 500 रेंज के अंदर नॉन एसी रूम मिल जाएगा एंड एसी रूम 600 से 2000 रेंज के अंदर आपको मिल जाएगा। ऐसे डबल बेडरूम पर नाइट चार्जेस है 500 रुपीज। टेम्पल के एकदम पास कुछ होटल अवेलेबल है, आप चाहो तो उधर स्टे कर सकते हो। हम लोग टेम्पल के पास 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में एक होटल में स्टे किया था। ये है रूम 3 बेडरूम, 3 बेडरूम का चार्जेस है 1000 रुपीज। और इधर टीवी है, आप चाहो तो टीवी देख सकते हो। इधर रिसेप्शन को आप कॉल करके कुछ मंगा सकते हो इधर से। और इधर एक वार्डरोब है, बड़ा सा विंडो, और ये है बाथरूम। टेम्पल से ये होटल का डिस्टेंस है अप्रॉक्स 200 मीटर, 2 मिनट ही लगेगा टेम्पल तक। अगर आप बुक करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये होटल का नंबर दे दूंगा। होटल से फ्रेश होके बाहर आ गए और अभी जा रहे हैं मंदिर के लिए। ये मंदिर रास्ते का दोनों साइड बहुत सारे पूजा सामग्री परचेस दुकान है। आप इधर से 50 रुपये से 500-1000 रुपीज के अंदर पूजा का प्रसाद ले सकते हो। ऑटो से उतर के अप्रोक्स 300 आने के बाद आपका राइट हैंड साइड में आप इधर मंदिर का गेट देख पाओगे। ये है मंदिर का VIP एंट्री गेट। दो एंट्री गेट है, एक है ये वाला गेट और एक है ऑपोजिट साइड, उधर है और एक एंट्री गेट। मंदिर में माँ को पूजा देने के लिए प्रसाद ऐसे फूल माला रास्ते का दोनों साइड अवेलेबल है। आप कोई भी दुकान से आप प्रसाद परचेस करके माँ का पूजा दे सकते हो। मैं VIP एंट्री गेट के ऑपोजिट साइड एक दुकान से 50 रुपए दे के पूजा का सामान परचेस किया। आप चाहो तो 100 से 5000 रेंज के अंदर पूजा देने के लिए फूल माला साड़ी परचेस कर सकते हो। इधर आपको पूजा देने के लिए पांडा लेना ही होगा। कोलकाता कालीघाट मंदिर में जैसा है ऐसा तारापीठ में भी ऐसा ही सिस्टम है। आप अपने मर्जी से आप 50, 100, 200 जो मर्जी आप पंडे को दे सकते हो। एवरीडे ये मंदिर में 10,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु एक दिन में विजिट करते हैं। VIP एंट्री गेट का लेफ्ट हैंड साइड में है शू स्टैंड। आप इधर ओनली 3 रुपीज दे के आपका शू इधर छोड़ सकते हो। एंट्री गेट का दोनों साइड में है भगवान गणपति जी का मूर्ति। VIP एंट्री गेट से एंट्री करके लेफ्ट एंड राइट साइड में बैठे हैं 2 आर्टिस्ट। VIP एंट्री गेट से आप अंदर एंट्री करके आपका राइट हैंड साइड में इधर एक बैरिकेटिंग है। बैरिकेटिंग के अंदर से आप 500 दे के माँ के एकदम पास में जाके माँ का पूजा दे सकते हो। आप अगर थोड़ा सा कम 300 रुपये में आप अगर माँ का दर्शन करना चाहते हो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा
तो आप VIP एंट्री गेट से एंट्री करके आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, इस साइड। और आप अगर फ्री में माँ का दर्शन करना चाहते हो तो इधर देखिए, वो है माँ का मंदिर, मंदिर का सामने है नाट मंदिर। और ऊपर देखिए, इधर सब भक्त, इधर सब खड़े हैं, इधर सब। फ्री दर्शन लाइन में माँ का पूजा देने के लिए, दर्शन करने के लिए आपका 3 से 4 घंटा टाइम लग जाएगा। कम से कम 1 किलोमीटर पहले से ये लाइन स्टार्ट हो रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ कि लाइन कितना दूर से स्टार्ट हुआ है। माँ का मेन टेम्पल गर्भगृह, गर्भगृह के सामने है नाट मंदिर। नाट मंदिर का राइट हैंड साइड में है भैरव शिव जी का मंदिर, एंड शिव मंदिर के पीछे है रंधनशाला। तारा माँ के चारों साइड बहुत सारे टेम्पल है, इनमें से और एक प्रमुख टेम्पल है देवाधिदेव महादेव का टेम्पल। नाट मंदिर का सामने है यज्ञ मंडप। यज्ञ मंडप के पीछे है बकरी बलि देने का प्लेस। अभी आप तारापीठ तारामा फ्री दर्शन लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ है देखिए, ये है नाट मंदिर। ये नाट मंदिर का सामने से इधर से आपको जाना है, ये रास्ता जा रहा है तारामा सरोवर। माँ का मेन मंदिर उधर से करीब 500 मीटर दूर से माँ का दर्शन के लिए इधर लाइन स्टार्ट हुआ है। ये लाइन में बैठने का फैसिलिटी अवेलेबल है, आप इधर बैठ के थोड़ा रेस्ट करते हुए आप मंदिर माँ का दर्शन के लिए जा सकते हो। और इधर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी है, अवेलेबल है। ये देखिए, इधर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है। इधर दिन में भीड़ ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग रात के टाइम माँ का मंदिर में जाके माँ का दर्शन करेंगे। आप जो दुकान से पूजा के लिए फूल प्रसाद परचेस करोगे, वो दुकानदार पूजा के लिए पांडा बुक कर देगा। मैं 50 रुपीज दे के ये पांडा बुक किया था। पूजा देने के लिए पांडा हम लोगों को नाट मंदिर में लेके आया। पूजा के लिए फूल प्रसाद पांडा गर्भगृह के अंदर ले जाके पूजा करेगा। पूजा होने के बाद पांडा फिर से नाट मंदिर में आके आपका पुष्पांजलि देगा। नाट मंदिर से तारा माँ का दर्शन के लिए सब बैरिकेड के ऊपर चढ़ गया था, मैं भी बैरिकेड के ऊपर चढ़ के माँ का दर्शन किया। पूजा होने के बाद 20 रुपए दे के 2 दिया परचेस करके तारा माँ सरोवर के पास दिया धूप जला के तारा माँ का पूजा किया। तारा माँ के विशेष पूजा के दिन इधर फ्री में तारा माँ भोग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दोपहर 1 बजे से भोग डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। ये भोग तारा माँ रंधनशाला के अंदर तैयार किया जाता है। भोग में रहता है चावल, दाल, एक सब्जी, पापड़, फिश और एक रसगुल्ला। खाने के बाद पत्ता आपको खुद से उठा के डस्टबिन में फेंकना होता है। आपको अगर फ्री में भोजन ना मिले तो आप मंदिर का रंधनशाला में जाके 60 रुपीज दे के तारा माँ भोग परचेस कर सकते हैं। तारा माँ भोग पूजा देने के लिए 1000 रुपीज दे के ये बड़ा थाली या फिर 500 रुपीज दे के इस स्मॉल साइज मिट्टी का बर्तन में आप भोग पूजा दे सकते हो। ये भोग आराम से 4% भोजन कर सकता है। मैंने 500 रुपीज दे के ये भोग पूजा दिया था और पूजा करने के लिए पांडा को एक्स्ट्रा 200 रुपीज दिया था। मैं ये भोग तारापीठ मंदिर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये है तारापीठ महाशासन।
आप अगर तारापीठ आओगे, तारा माँ का दर्शन करने के साथ ये तारापीठ महाशासन में आके बामा खैपा समाधि, ये है बामा खैपा समाधि, इधर आप बाबा का दर्शन पूजा आप जरूर करो। तारापीठ टेम्पल से 100 मीटर डिस्टेंस पे है तारापीठ महाशासन। टेम्पल के अंदर दो महाशासन है, एक है तांत्रिक महाशासन और एक है शब्दाह महाशासन। ये है तारापीठ शब्दाह महाशासन। इस शमशान के अंदर आने के लिए आपको ऐसे नंगे पैर आना होगा। इस शमशान के अंदर भी तांत्रिक पूजा अर्चना करते हैं। शमशान के चारों साइड रहते हैं बहुत सारे तांत्रिक साधु। शमशान के पश्चिम साइड में है द्वारका रिवर। तारापीठ टेम्पल के पास लोकल साइट सीन करने के लिए टेम्पल गेट का एंट्री गेट में बहुत सारे एजेंट मिल जाएगा। आप 200 से 3000 रुपीस दे के ऑटो कैब बुक करके लोकल 4-5 टेम्पल के साथ बकरेश्वर बोलपुर घूम सकते हो। शाम को 7 बजे टेम्पल रंधनशाला के अंदर होता है शांति पूजा। आप चाहो तो 5000 रुपीस दे के ये शांति पूजा कर सकते हो। अभी टाइम है रात को 8:26। अभी मैं तारा माँ का दर्शन करने के लिए इधर लाइन में आ गया। आप अगर तारा माँ का दर्शन करना चाहते हो बहुत ही इजीली, तो आप रात के टाइम 8 बजे के बाद अगर मंदिर में आओगे तो आप आसानी से लाइन में लग के 1-1.5 घंटे के अंदर माँ का दर्शन कर पाओगे। और अभी पौष मास चालू है, इसलिए इधर ऐसा चालू है, पौष मास में माँ को ऐसा मूली ये मूला दिया जाता है, इसलिए मैं 10 रुपये दे के ये मूला लिया। आप चाहो तो लाइन में रह के पंडा लेके पूजा दे सकते हो। मंदिर के अंदर आपका फूल बेलपत्ता प्रसाद की पूजा नहीं होगा, आपका जो भी पूजा होना है लाइन में रह के ही पंडा आपका पूजा करेगा। टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। 2.5 घंटे में तारा माँ का दर्शन हो गया था। तारापीठ में ATM का भी बहुत प्रॉब्लम है, इधर ओनली मंदिर के पास 1 किलोमीटर के अंदर 2 ATM फैसिलिटी है। मैं दोनों ATM का गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप तारापीठ आओगे, आप अपने साथ कैश लेके आओ। तारापीठ में ब्रेकफास्ट करने के लिए पूरी सब्जी, इडली, डोसा और मिठाई अवेलेबल होता है। मंदिर से 200 मीटर डिस्टेंस पे मैं अभी ब्रेकफास्ट करने आया। इधर ये 4 पीस पूरी का साइज़ भी बहुत अच्छा है, और पूरी के साथ एक छोले का दाल, इसका प्राइस है ओनली 30 रुपये। तारापीठ मंदिर में पूजा हो गया। पूजा दे के बाहर आके मैं जो होटल में रुका वो होटल का खुद का रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा साफ सुथरा है। इधर आप 80 रुपये दे के भेज थाली, आप अगर फिश खाना चाहते हो फिश दे के थाली का प्राइस है इधर 140 रुपये। ये भेज थाली का चार्ज है ओनली 80 रुपीस। भेज थाली में आपको बहुत ज़्यादा राइस और आलू पोस्तो, बंगाली का फेमस है ये आलू पोस्तो, ये दाल, आलू गोभी का ये सब्जी और ये
आलू का फ्राई और ये फिश। फिश देखे ये थाली का चार्जेस है ओनली 140 रुपए। शाम के टाइम तारापीठ में खाने में चाउमीन, एग रोल, बिरयानी, मोगलाई पानीपुरी मिल जाता है। आप अगर तारापीठ आओगे तो तारापीठ का लोकल कुछ पूजा सामग्री और गिफ्ट आइटम जरूर परचेस करें। फोन पे गूगल पे हो जाएगा दादा? हाँ तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप लोग बहुत अच्छा रहिए, खुश रहिए।